मशक नंबर 1.1 मैट्रिक आर्ट्स 10th क्लास का मैथ है। इसमें जो अहम सवालात हैं वो उनके सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूँ। अगर पी की वैल्यू हमने -2 रखी हो तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा। पी इंटू -2 इज इक्वल टू -2 रेज टू पावर 4 प्लस 3 -2 रेज टू पावर 3 माइनस इंटू -2 रेज टू पावर 2 प्लस 1। 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 16 प्लस 3 इंटू -8 -4 प्लस 1 पी इंटू -2। याद देखें 16 वैसे का वैसे आ जाएगा, -8 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे 2 भी है, मल्टीप्लाई करके हमने -24 बना दिया, फिर 2 पे हमने डिवाइड कर दिया, 12 आ गया। आगे -4 प्लस 1, आगे आप देखें पी -2 16 -12 -4 प्लस 1 पी इंटू -2 इज इक्वल टू 4 -4 प्लस 1 पी इंटू -2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 पी इंटू -2 इज इक्वल टू 1। 1 आंसर आ गया, यानी पी की में अगर हम -2 वैल्यू के साथ प्रोसीड करें आगे चलें तो पी इंटू -2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसके बाद दिए गए नातक जुमलों को उनकी मुख्तसर शक्ल में लिखें। ये सवाल नंबर 9 बन जाता है। ये देखें क्या है, इसमें जो मेन फिगर है 8 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 12 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर ओवर 12 इंटू एक्स 4 इंटू वाई। अब आप देखें ये जब हम ताकतों को तकसीम करते हैं पावर्स को, y ने ऊपर चल जाना -1 हो जाना 2 -1 ठीक है 2 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर ओवर 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 वाई ठीक है, एक पावर ऊपर कम हो जाएगी तो जवाब क्या बन जाएगा 2y ओवर 3x स्क्वेयर। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अब देखें x स्क्वेयर है नीचे y है तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा y स्क्वेयर -1, ताकत एक कम हो जाएगी ठीक है तो y आंसर बन जाएगा। इस तरह ये y बना ठीक है, नीचे से जब हम ऊपर लेकर जाएंगे किसी फिगर की पार को तो नीचे से जब ऊपर जाएगी तो वो पार जो है वो माइनस हो जाएगी, यानी ताकत में से एक ताकत कम हो जाएगी। अगर नीचे 3 होता तो ऊपर जाता तो -1 आ जाता, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा ठीक है 2y ओवर 3x स्क्वायर। सवाल नंबर 11 16 इंटू ए रेज टू पावर 6 बी रेज टू पावर 7 ओवर 12 ए रेज टू पावर 3 इंटू बी रेज टू पावर 5 प्लस 20 ए रेज टू पावर 5 बी रेज टू पावर 4। इस यहाँ पर जब हम आगे चलेंगे 16 16 ए रेज टू पावर 7 बी रेज टू ए रेज टू पावर 6 बी रेज टू पावर 7 4 ए रेज टू पावर 3। अब ये दरअसल हमने 12 और 20 में से हमने कॉमन लेना है, यानी ऐसा जो है वो इनका फैक्टर लेना है जो कॉमन है दोनों में और फिर आगे हमने प्रोसीड करना है। यहाँ पे आप देखें ए रेज टू पावर 3 ये कॉमन है और बी रेज टू पावर 4 वो दोनों में कॉमन है, वो हमने उठा के बाहर ले जाना है। अब यहाँ पे 4 है और ये 5 है, पावर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावरें आपस में जमा हो जाती हैं, यहाँ पे हमने डिवाइड किया है तो यहाँ पे अंदर पावर कम हो गई है 3b प्लस 5a स्क्वायर ये रह जाएगा और a रेज टू पावर 3 b रेज टू पावर 4 और साथ में 4
मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। वो इसके साथ आ जाएगा, आगे आप चलते जाएं, 16A3 डॉट A3, मतलब ये नीचे जो A3 पावर है उसको हमने कैंसिल करना है, तो उसके लिए हमें ये तरीका करना पड़ेगा, ऊपर जो A6 है उसमें से A3 इंटू A3 बनाना पड़ेगा, आपके सामने है, ठीक है। नीचे 4 है, अब 4 16 पर डिवाइड हो जाएगा और चलते चलते ये आंसर आ जाएगा, a रेज टू पावर 3, ये एक ताकत इसके साथ कट जाएगी, आगे b की ताकत 4 पॉइंट b रेज टू पावर 3 ओवर 5a² + 3b 4a³ b³ ओवर 5a² + 13b। इसके बाद सवाल नंबर 14 है, x² - y² ओवर 3y - 3x = x + y × x - y ओवर माइनस साइन जो है ये हम इधर बाहर ले जाएंगे और या आप यूं समझ लें कि -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह आप समझ लें, या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है समझाने का कि जो नीचे वाला साइन प्लस का है उसको हम माइनस का साइन बना देंगे, जो माइनस का साइन था उसको हम प्लस का साइन बना देंगे, -3 बार आ जाएगा x - y। मैथ को थोड़ा सा कॉमन सेंस के ज़रिए हल करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, बच्चे जो हैं परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे सामने, x माइनस वाई के साथ कट जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा, = x + y - 3। ध्यान से देख लें इसको कैसे करना है, ठीक है। यहीं से भी हम कॉमन ले सकते हैं, -3 इनमें से कॉमन ले लिए, ठीक है। मैं तो वजह से देख लें आप,